बात सारी है कि एक बंदे पे टीम नहीं चलती, सबको परफॉर्म करना पड़ता है, पूरे 10 खिलाड़ी खेल रहे हैं तो 10 को 10 को खेलना पड़ता है। ये थोड़ी ना कि बाबर के आसर में हम भी आउट होकर चले जाएंगे। बाबर एक संजू सैमसन है और दूसरा हमारा साई मयूब है भाई। संजू ने तो भाई रेड़ मार दी थी बंगालियों की, बंगालियों की चमड़ी उधेड़ दी थी। किंग बंदा है और किंग रहेगा, लोग कुछ बोलते हैं बोलते रहे, लेकिन भाई मेरे लिए तो बहुत अच्छा बंदा है वो। कि बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर होकर उसको आपने मतलब थोड़ा सा बुरा वक्त आया उस पर, तो आपने उसको साइड पे कर दिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं नई वीडियो के साथ हाजिर हो चुका हूं। तो भाई आज बात करने वाले हैं बाबर आजम पे। यार बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया यार, इतना बड़ा प्लेयर जिसने आपकी पाकिस्तान की मतलब इज्जत बढ़ाई, जिसको दुनिया जानती है, जिसको दुनिया किंग कहती है, जो अपनी बैड परफॉर्मेंस की वजह से भी ODI पे नंबर वन है भाई, ICC ने उसको नंबर वन पे रखा हुआ है, आपने उसको ड्रॉप कर दिया यार। यार बस समझ से बाहर है, हो गया है मेरे सब कुछ। कि बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर होकर उसको आपने मतलब थोड़ा सा बुरा वक्त क्या आया उस पर, तो आपने उसको साइड पे कर दिया। और दूसरी बात यह है उसके साथ शाहीन रिजवान इनको भी साइड पे कर दिया, फराज अहमद ने तो खेला ही नहीं था मैच, उस बेचारे को भी साइड पे कर दिया। यार मैनेजमेंट बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है मेरे को पाकिस्तान की, जो बात साफ है करना क्या चाह रही है क्या। देखो यार बात यह है, मैनेजमेंट वो बिठाओ जो एक तरफ हो, अब वो सियासत को भी देख रहे हैं, अब वो क्रिकेट को भी देख रहे हैं, तो क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है भाई, हम पे लोग हंस रहे हैं। केविन पेटरसन ने ट्वीट करा पाकिस्तान की पिच पे कि भाई ये क्या है यार, क्या खिला रहे हो, कैसे करवाओगे ICC चैंपियन ट्रॉफी? मेरे को तो लग रहा है ICC चैंपियन ट्रॉफी भाई बाहर शिफ्ट होने वाली है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है दुबई में शिफ्ट हो जाएगी या तो कहीं और हो जाएगी, पाकिस्तान में नहीं होगी जिस तरीके के हालात है पाकिस्तान के। यार बाबर आजम के साथ वाकई इन लोगों ने बहुत बुरा करा। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि ऐसा वक्त विराट कोहली पे भी आया है, लेकिन विराट कोहली के जो टीम मैनेजमेंट है और फैंस है उन्होंने उनको नहीं छोड़ा भाई। खैर है, अप डाउन जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन यार आप इतने बड़े प्लेयर को ऐसे नहीं बिठा सकते यार, आपको मौका देना चाहिए था। मसला नहीं परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, आपकी क्रिकेट का इज्जत बढ़ाई है यार। इंडिया से आज तक T20 में वर्ल्ड कप में कोई भी नहीं जीत सका, आपको बाबर आजम ने वो करके दिया है भाई, और वो भी 10 विकेटों से, आप बताओ ना यार। और फिर आपने उसके साथ ऐसा कर दिया। अब बाद में कर रहा हूँ भाई IPL और PSL टैलेंट की, एक संजू सैमसन है और दूसरा हमारा साई मयूब है भाई। संजू ने तो भाई रेड़ मार दी थी बंगालियों की, बंगालियों की चमड़ी उधेड़ दी थी जिस तरीके की उसने भाई बैटिंग करी, 5 छक्के, ऐसा लग रहा था भाई यूं यूं बल्ला कर रहा है, यूं। तो हमने तो लाइव छक्के देखे भाई। तो भाई इंडिया का जो टैलेंट है ना, मैं बोलता हूँ दुनिया में कहीं भी ले जाओ उसको, वो ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएगा। और हमारे पाकिस्तान वाले सिर्फ PSL में चलते हैं, उसके अलावा कहीं ले जाओ तो मतलब क्या बोलूं मैं, हक देते। बात ये भाई देखें, सबसे पहले हमें जो है ना अपनी मैनेजमेंट सही करनी पड़ेगी, ठीक है। हम ना बात ये, हम जड़ों पे घूम रहे हैं, हम घूम रहे हैं जड़ों पे, हमें आना चाहिए पत्तों पर। तो आप पत्तों पे जब आएंगे तो जाहिर सी बात है आपको पता चलेगा कौन गलत है कौन सही है, बात सारी है, मैं यही कहना चाहूंगा यार। और दूसरी बात यार, बस बड़ा अफसोस हो रहा है। हाँ तो भाई आपको हारिस भाई ने डिटेल दी है बाबर आजम के बारे में, और अभी जो पाकिस्तान के अंदर जो मैच चल रहा है इंग्लैंड सीरीज जो चली है इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि भाई बाबर का मसला ये है कि अब वो बेचारा उसके चल रहा है बैड लक। मतलब बैड लक होता है ना तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि ड्रॉप करना चाहिए। आप खुद से बाबर के पास जाते हैं, अपना चेयरमैन को चाहिए था कि बाबर के पास जाते उससे बोलते कि भाई तू खुद से जो ना अभी छुट्टियों पे चले जा, तो खुद से हमें रिक्वेस्ट कर हम तेरे को भेजेंगे। ये थोड़ी ना होता है कि ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करना मतलब होता है फेंक देना, फेंक दिया भाई, लात मार के फेंक दिया इस तरीके से। तो भाई आपको इस तरीके से नहीं करनी चाहिए। एक टाइम का वो चीता बंदा है, जरूरी नहीं है कि कुछ टाइम से अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई। वो किंग बंदा है और किंग रहेगा, लोग कुछ बोलते हैं बोलते रहे, लेकिन भाई मेरे लिए तो बहुत अच्छा बंदा है वो। दूसरी बात ये कि भाई परफॉर्मेंस है उसके पिछले मैच उठा के देख लो, और अभी रिसेंटली वो नंबर वन ODI का बंदा हो गया है, तो कुछ लोग इससे भी जल लेंगे। और घंटे का किंग भाई ये कुछ भी नहीं होता। और बात सारी है कि एक बंदे पे टीम नहीं चलती, सबको परफॉर्म करना पड़ता है, पूरे 10 खिलाड़ी खेल रहे हैं तो 10 को 10 को खेलना पड़ता है। ये थोड़ी ना कि बाबर के आसर में हम भी आउट होकर चले जाएंगे, बाबर रन करेगा तो हम भी करेंगे, ऐसा नहीं होता भाई। जब 10 टीम है बंदे तो 10 के 10 करने पड़ेंगे। दूसरी बात ये कि भाई शाहीन और नसीम को भी सही है, अभी रेस्ट पे सही है भाई, कि ये थोड़ी परफॉर्म करें, वो खेलें दूसरे डोमेस्टिक वगैरह खेलें, अपना परफॉर्म करें, अपने आपको थोड़ा रगड़ा है, उसके बाद आए फिर सही है। अभी मुझे नहीं लगता कि ये जो उन्होंने टीम निकाली है अभी जो सीरीज कल वाला जो स्काउट है, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ काम करेगा, क्योंकि सारे नए प्लेयर हैं और सामने वाले हैं आपको पता है खापड़ हैं। और उम्मीद करते हैं कल का मैच अच्छा होगा। और बात रही कि PSL वर्सेस IPL के जो लड़के हैं, हमारे पास PSL और IPL में ये फ़र्क है, हम अगर PSL से जो लड़के उठाते हैं ना उनको, वो अगर वो एक भी ओवर में कोई ऐसा कामयाब ओवर कर देते हैं या कोई T20 मैच इंटरनेशनल ऐसा कोई कामयाब हो जाता है, जैसे कि नसीम शाह वर्सेस मतलब पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का जो हुआ था जिसमें नसीम शाह ओवर करवा रहा था, और वो जो फाइनल था जो वर्ल्ड कप का जो फाइनल था जो क्रॉस मार रहे थे, क्या नाम है उस बंदे का, कौन खेल रहा था सामने, जोस बटलर, हाँ बटलर के जो बॉल आगे पीछे हो रही थी भाई,
तो वो रील इतनी चल गई कि अब बस हम पाकिस्तान को लगता है कि बस हम इससे ही हमारा गुजारा हो जाएगा। ओ भाई इतना थोड़ी ना, इतना सर पे नहीं चढ़ाया करो भाई, वो अभी यंग लड़का है, हमने उसको इतना ऊपर कर दिया कि बस भाई तू अब सबके लेवल पे आ गया सब, इस तरीके से नहीं होता। जबकि अगर आप आईपीएल को देखें ना इसके अगेंस्ट, तो आईपीएल में ये होता है कि जो सीनियर होता है ना वो जूनियर की कदर करता है, जूनियर के साथ बिठाता है, उसको बताता है आपने ऐसे नहीं ऐसे करना है। और पाकिस्तान के अंदर आईपीएल पीएसएल में ये होता है कि अगर जो जूनियर है ना उसको उस पर रखते हैं, बोलते हैं कि नहीं बेटा तू नीचे ही रहेगा, हम चौड़े हैं, हमें जो है ना सब कुछ आता है, हम जो बोलेंगे वही होगा। तो भाई ऐसे नहीं करना चाहिए। हारिस भाई थक गए वीडियो बना के, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कमेंट जरूर कर देना यार, 1000 तो लाइक कर दिया करो एक वीडियो पे यार, व्यूज तो आ जाते हैं लेकिन लाइक हमें नहीं मिलते। लाइक और कमेंट अच्छे करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खैर अल्लाह हाफिज़।